तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता, पिछले वीडियो में हमने बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कैसे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आपको उसी लिंक पर जाना है, ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल को ओपन करना है। वहां पे एप्लीकेंट लॉगिन लिखा होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एप्लीकेंट लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। ठीक है, और लॉगिन कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी। फुल डेमो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कैसे क्या आपको एग्जाम देना है, कैसे आपको बैठना है। बाकी जैसे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, मैं आपको बिल्कुल लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा कैसे आपको करना है। एक बार आप खुद से समझ लीजिए, अगर आपको समझ में आ जाता तो बढ़िया है, अदरवाइज मैं आपको पूरा डेमो भी दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ही आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और एक बात ध्यान रखना, जो आपका पेपर आईडी है ये रहेगा आपका पेपर आईडी। आप सब बच्चे पूछ रहे थे कि सर आंसर शीट में क्या भरना हो पेपर आईडी, ये आपकी पेपर आईडी रहेगी। ठीक है, ये आपको फिल करना है उसमें पेपर आईडी में। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम का टाइम 9:30 बजे है तो 9:30 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। स्टार्ट हो करने के बाद आपको क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी आपका अलाउ कर देना, ये सारा कैमरा माइक्रोफोन ये सब आपका अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी स्टार्ट एग्जाम पे, वहाँ पे आपके ये मॉक टेस्ट रहेगा। पहले आप मॉक टेस्ट देके देख सकते हो, उसके बाद जो ऊपर मैंने इंटरफेस दिखाया वैसे आपके ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, एग्जाम के, ऑनलाइन एग्जाम के जो आपके एग्जाम रहेंगे लाइव। ठीक है, ये सब आपका। उसके बाद आपका जो पांचवा प्रोसेस रहेगा, पांचवा स्टेप रहेगा, आपको एक तो आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको अपलोड करनी है, कैप्चर करके फोटो अपलोड कर देना। ठीक है, यहाँ पे कैप्चर करना फोटो कैमरे में सेट करके और फोटो अपलोड कर देना। ठीक, जैसे ही फोटो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आईडी ऐसे दिखानी है कैमरे की तरफ और अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ मैं आपको, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा वैसे तो। फिर आपको स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देना, ये हर एक एग्जाम में हर एक पेपर में किया जाएगा ऐसा ही कुछ प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद आपको वही सेम प्रोसेस अलाउ कर देना, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस मैं बताता हूँ। इन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना, सबसे पहले तो आंसर बुक प्रोवाइड जो यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड की गई है उसी को आपको, उसी का यूज करना है और अगेंस्ट द कैमरे के सामने शो करना है। अगर आप या तो एक बार सारे शो कर दो या फिर एक एक पेज लिख के ऐसे नॉर्मली स्क्रीन के सामने से रख के एक बार साइड में रख दो। ठीक है, साइड में मतलब कैमरे के सामने ही होना चाहिए दोनों चीज़। ठीक है, ये सब आपको दिखना चाहिए। उसके बाद आठवां जो प्रोसेस रहेगा, जब क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपका डिस्प्ले पर राइट हैंड में दिखाई देगा, स्क्रीन पर, डिस्प्ले स्क्रीन की जो राइट हैंड है उस पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना और आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, जैसे ही आपका एक वन पेज कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्प्ले करना आपको, मतलब एक पेज आपको स्क्रीन के सामने इसमें लिखा गया इंस्ट्रक्शन में, तो मतलब इतना कोई जरूरी भी नहीं है, इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास भी, बार बार आपको पेजों के पास, पेजों के जो पीछे मतलब स्क्रीन के सामने बार बार दिखाओ, फिर भी एक बार नॉर्मली आप ऐसे ही दिखाना। ठीक है, ज़्यादा ऐसे मतलब बिल्कुल स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली दिखाना। ठीक है, आपको एक पेज। उसके बाद नौवां पॉइंट ये है, आफ्टर यू कंप्लीट योर एग्जाम टेक क्लियर कंप्लीट फोटोग्राफ, मतलब जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप या तो वन बाय वन पेज अपलोड कर सकते हो या फिर आप पूरे पेजों की एक साथ पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे पीडीएफ आपको अपलोड करनी है पूरी। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, कॉर्नर में आपकी जो इमेज है वो चलती दिखाई देगी और ये क्वेश्चन पेपर है जैसे, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। ठीक है, लास्ट में जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो ये ऑप्शन आएंगे, जैसे आप वन बाय वन पेज अपलोड करना चाहते हैं तो पेज नंबर वन करोगे, पेज नंबर वन अपलोड कर देना, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही एक एक करके आपको सिलेक्ट करते रहना। ठीक है, पेज नंबर वन सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्राउजर पर फाइल सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। उसके बाद आपको बताता हूँ मैं जो आपका 11वां स्टेप रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पेज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जो कि पीडीएफ जो फोटो पेज की आंसर शीट अपलोड करने की, यहाँ पे वाई वाई आ जाएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, वाई वाई जिस जहाँ पे वाई हो गया समझ लेना वो पेज अपलोड हो गया आपका। ठीक है, इस बात का खासकर ध्यान रख लेना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा पीडीएफ फाइल भी अपलोड हो जाएगा क्या? भाई बिल्कुल, पीडीएफ फाइल भी आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे पेज नंबर वन सेलेक्ट किया तो वहाँ से पेज नंबर वन, यहाँ पे अगर आप ब्राउजर पर ऊपर ऑप्शन आएगा, आप वन बाय वन पेज अपलोड करना चाहते हो या फिर पीडीएफ फाइल अपलोड करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए आपको कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप पीडीएफ फाइल का ऑप्शन पर चूज करोगे तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस फाइल मैनेजर खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोटो में भी खुलेगा,
लेकिन फाइल मैनेजर में ऐसा कुछ खुल जाएगा जहाँ पे आपकी पीडीएफ फाइल सेव होगी। पीडीएफ फाइल को आपको मिनिमाइज करना स्क्रीन को ऐसे, ठीक है, ऐसे आप मिनिमाइज कर देना। मिनिमाइज करने के बाद आपको ये डॉक स्कैनर एप्लीकेशन यूज दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। इस डॉक स्कैनर एप्लीकेशन का यूज करके पीडीएफ फाइल को एक दूसरे फोल्डर में सेव करना है और वापिस से आपको होम स्क्रीन पर उस पर जाना जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, एग्जाम पर दे रहे थे और जहाँ पे आपने सेव किए फाइल को, उसको फाइल को सिलेक्ट करना और अपलोड कर देना, ठीक है। और लास्ट में आपका कुछ ऐसा दिखाएगा, योर आंसर शीट हैज बीन अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखाएगा। और आपका डेमो वीडियो मैंने वीडियो इसमें भी डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है, और आपके लिए एक और वीडियो आ जाएगी बिल्कुल, जो बैठ के कैसे आपको टिप्स एंड ट्रिक के साथ वीडियो भी मैं डालूंगा आपको कैसे आपको एग्जाम देना है। बाकी आप सभी समझदार भी होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपकी पूरी वीडियो डालूंगा कैसे आपको यूएमसी से बचना है, कैसे आपको एग्जाम देना है। और जो चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको सीआरएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार के एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपका तुरंत रिप्लाई आएगा। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, वहाँ पर भी आपका सबका रिप्लाई होगा, ठीक है। ये सब प्रोसेस आपका एक स्टेप बाय स्टेप डिमॉन्स्ट्रेशन था सिर्फ, ठीक है, आपको फुल डेमो के साथ भी आपको बताया जाएगा कैसे आपका एग्जाम होगा। ये सिर्फ आप एक बार करके देख लीजिए, ये सब प्रोसेस है। इस डिमॉन्स्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैंने पीडीएफ फाइल लिंक भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।